कैटे जी मिला अंदर में है, दिखाओ तो कहाँ से लाना तो। नमस्कार, ए एस माझी यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं खेत आया था, अब जो है घर जा रहा हूँ। आज मैं जो जाने वाला हूँ एक जगह जहाँ पूजा हो रहा है, मैंने ऐसा पूजा कभी देखा नहीं है, लाइफ में पहली बार इस प्रकार का पूजा होगा। तो मैं सामने गांव में इनवाइट है तो वहाँ जा रहा हूँ और आपको भी उस पूजा को दिखाऊंगा किस प्रकार से होता है और कैसा होता है। तो बने रहिए वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फिलहाल जो है मैं यहाँ आया हूँ और घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद कुछ तैयारी करूँगा, उसके बाद जो है जाऊँगा। अभी मैं मेरा गाड़ी आप देख सकते हैं वो दूर में है, और आज का मौसम ऐसा है ठंडा ठंडा, बादल जो है आज बदली है चारों तरफ, और पानी तो नहीं गिर रहा है लेकिन ठंडा ठंडा मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो है हमारे खेत के सामने किसी ने नांगर रख दिया है, मेरे को भी मालूम नहीं है कौन रखा है। तो वो अभी जो है नांगर जोताई का टाइम तो नहीं है, लेकिन पानी गिरने के बाद जो है किसान बियासी का काम करेंगे, तो बियासी के लिए जो है नांगर को यहाँ पे रख दिए हैं। खेत में जो है जोताई करते हैं तो उसके लिए ये जो दिख रहा है आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार का, इसको निकाल देते हैं, इससे जो है यहाँ तक का गड़ता है और मिट्टी को नीचे से ये हल जो है जोतता है, उखाड़ता है। लेकिन बियासी में क्या होता है, मिट्टी को सिर्फ मतलब ढीला करना है, जो धान है उसको जो कड़ापन हो जा रहता है मिट्टी में उसको ढीला करना है। तो इसमें जो है एक रिंग टाइप का बना दिए हैं जिससे जो है ये हल अंदर नहीं घुसेगा मिट्टी से, और ये जो है ऊपर ऊपर ऐसे होगा, इसीलिए जो है इसको इस प्रकार का रिंग बना दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है हल है, देसी हल जो बैल से जोता जाता है, इस प्रकार का हल। फिलहाल जाता हूँ मैं घर और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। ये जो है हमने उस समय काटा लगा दिया है, इधर से जो है आ जाते थे और इधर अपना जो गंदगी करते थे, इसीलिए यहाँ पे रोड के पहले जो है काटा लगा दिए हैं। लेकिन फिर भी जो है इधर से हल वल बैल वैल को इधर से ला रहे हैं, आप देख सकते हैं मैं भी इधर से जा रहा हूँ, और फिलहाल मेरा गाड़ी ये है, इसमें बैठ के फिर जाना है। हम लोग आए हैं बंजारी माता का दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ मेरे मामा गांव हैं मटिया, देवभोग से 15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे पूजा हो रहा था, वहाँ पे मैं आया हूँ। आने के बाद मेरे को जो है लेट हो गया, मतलब लेट कहने का मतलब जो है कल से पूजा पाठ चल रहा था और मैं वहाँ से घर से जब आया तो लेट हो गया, तो इसीलिए पूजा वूजा हो के जो है जो प्रसाद कहना चाहिए उसको व्यवस्था कर रहे थे, खाना पीना का व्यवस्था चल रहा था, तो मेरे को जो है बहुत दुख लगा, मैं जो पूजा पाठ है उसको बना नहीं पाया वीडियो। और मैं जो हमारे भाई लोग हैं वहाँ छोटे छोटे, तो उनसे भी पूछा कि वीडियो बनाए हो तो मेरे को दो यार, मैं एडिट करूँगा करके, तो वो बोले कि लाइट नहीं था तो उन लोग भी जो है बना नहीं पाए। कल से यहाँ से लाइट गोल है तो उन लोग भी बना नहीं पाए, इसीलिए क्या कर सकते हैं। फिर भी मैंने बोला है किसी से कि जैसे व्हाट्सअप में कुछ फुटेज मिलेगा या फिर फोटो वोटो रहेगा तो कम से कम दिखाना करके। मैं जो है यहाँ पे मेरे साथ जो आए थे साथ में, मैं मतलब आए थे हम लोग चाचा, तो उनका ससुराल है यहाँ सामने खुड़बुड़ी, तो मैं वो बोले कि चलो वहीं से घूम के आ जाते हैं, तो टाइम है इसीलिए हम लोग यहाँ भी आ गए हैं। और यहाँ पे बियारा में आके जो है खेक्सी तोड़ेंगे करके बोल रहे हैं, सामने वो खेक्सी तोड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। खेती किसानी का काम करने के साथ साथ यहाँ पे जैसे कुछ औजार रह जाता है या फिर कुछ खेत में कुछ काम पड़ जाता है तो आमतौर पे क्या होता है यहाँ पे ही रखते हैं। जैसे गाय बैल रखने का जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और गाय बैल भी रहता है, सामने एक कुटिया है, वहाँ पे कुछ कुछ सामान है, घर हर चीज़ को लेके नहीं जाते, मतलब जैसे सुबह आए खेत वेत में अपना काम किए और जो है शाम को गए, दैनिक दिनचर्या का सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो ये है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरी भरी वादी है और उसके बीच में जो है ये धम्म ऋषि का आश्रम कहिए इस प्रकार से, और ये हमारे भाचा जो है ये जो पुआल का मड़ुआ कहना चाहिए उसके नीचे में बैठ के जो है इस छांव का आनंद लेते हुए। फिलहाल तो धूप नहीं कर रहा है, बदली है और मौसम साफ है, फिर भी अच्छा है वादी, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये खेक्सी तोड़ते हुए
ये अंदर अंदर में है, इसको खोजना पड़ता है खेक्सी। ये आपके आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो है खेत के चारों तरफ खेक्सी का जो छोटे छोटे पौधे नार के रूप में है, और इसको जो है जो पेड़ का तना है उसमें मतलब ढेकरा कहते हैं हमारे लोकल में बना के रखे हैं, तो ये तो खेक्सी तोड़ रहे हैं। वैसे अभी जो है यहाँ खेत में रहते हैं, लेकिन इनका परिवार और जो मैं जहाँ गया था पूजा पाठ हुआ तो उनका परिवार एक ही है, तो वो भी पूजा में गए हैं, तो फिलहाल यहाँ जो है कोई नहीं है, और हम लोग यहाँ वैसे वहाँ से आ गए हैं और खेक्सी को तोड़ रहे हैं। कभी आया नहीं था खुड़बुड़ी। वैसे हमारे यहाँ जैसे शादी ब्याह होता है तो उस इसीलिए बस मतलब शादी ब्याह का न्योता देने के लिए मैं आया हूँ और ऐसे चल दिया हूँ, लेकिन ये पहला मौका है। जब हमारे यहाँ जो साथ में आए थे वो चाचा, उनके साथ जो है यहाँ आए थे तो वो अपना खेक्सी को तोड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बाड़ी में घूम लेता हूँ करके सोचा। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। हमारा देवभोग वैसे तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, फिर भी जैसे गाड़ी मोटर थोड़ा सा पी पा करके थोड़ा थोड़ा आवाज आते रहता है, तो यहाँ जैसे आने के बाद ना एकदम से मतलब कान भैरा टाइप का लगता है, जैसे आसपास दूर से कहीं चिड़िया का आवाज या फिर अचानक किसी मुर्गे का बांग देने का आवाज या जैसे कोई गिलहरी जा रहा है तो खड़खड़ खड़खड़ का आवाज, तो ऐसे अचानक आवाज आता है तो कुछ अजीब टाइप का लगता है। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुआं है, कुआं में जो है पानी ऊपर में है और सिंचाई का कार्य यहाँ करते हैं, अभी जल स्रोत ऊंचा है, और आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं डोंगा। ये खजूर का एक तना होता है और उसको जो है खोल दिया गया है और इसमें जो पानी डालते हैं और पानी जो है उधर से जाता है, और ये अपना ही एक टेढ़ा पाटी, इसको बोलते हैं टेढ़ा, और वो जो उसको बोलते हैं पाटी, इसमें से इस प्रकार से ऐसे पुश किया जाता है, इससे जो है ये इस बाल्टी में पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद जो है वो उसके सामने आप देख सकते हैं उसके वजन के कारण वो ऊपर अपने आप उड़ जाता है। तो अपने को पानी एक बाल्टी खींचने के लिए मतलब इस प्रकार से दबाना है, फिर वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो उसमें जो है मतलब पानी से सिंचाई का कार्य किया जाता है, इस प्रकार से है, और बड़ा ही सुंदर। और ये देख सकते हैं आप कैक्टस, लेकिन ये कैक्टस में जो है काटा नहीं है, बिल्कुल खड़ा है इंसान की तरह। एक कुत्ता को देख सकते हैं बांध दिए हैं, भूख नहीं रहा है, भूख न रे बाबा, कैसे यार कोई है, कोई दूसरा आदमी आने से भूखना चाहिए ना, चुपचाप शांत देख रहा है। हम लोग नए हैं वैसे, और ये कुत्ता को कुछ नहीं पड़ रहा है, इसके मालिक लोग नहीं हैं और कुत्ते को बांध दिए हैं, ये बेचारा जो है मस्त आराम फरमा रहा है, देखो सुखी व्यक्ति। कहाँ है, कितना टोड़े हंस, दिखा तो, वाह मुस्कुरा दिख। कैटो जी उधर अंदर में है, दिखाओ तो, कहाँ से लाना तो, कौन कैसे पकड़े है? कैसे पकड़े, अरे दिखाओ तो, मर गिस ने अरे, तो जिंदा है कि मर गिस, जिंदा है, अरे ये कहाँ से मिली, दिखा तो, और रहता है अंदर में, पूरा गद्दा जैसे है, अरे मजबूत, चला क्या कर हो हैं, क्या कर हो जी ही की मर जाही।
ये देख सकते हैं नारियल पेड़ में जो है चिड़िया बड़े चहचहा रहे हैं, तो मैंने इसको शूट किया। ये गद्देदार टाइप का अपना घोंसला को बनाए हुए हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त हमेशा ही लगे हुए हैं। इन लोग जो नारियल के छोटे छोटे मतलब लंबे लंबे जो पत्ते हैं उनके पत्ते से कारीगरी के तौर पे जो है बड़ा अच्छा घोंसला बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा ज़बरदस्त और आवाज़ भी आ रहा है चहचहाने का। तो ये जो आंगन है, आंगन में जो है इस चिड़िया का हमेशा 24 घंटा चींचा 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 करके आवाज़ आ रहा है, बड़ा ही प्यारा। आप देख सकती हैं ये जो है गांव का मछली पालन। अभी जो है मछली छोटे छोटे हैं तो नहीं दिख पाएगा, मैं उसके किनारे किनारे ऐसे घूम घूम के देखा तो नहीं दिखा, छोटा छोटा है बोल रहे हैं। यहाँ मैं घूमने आया हूँ और इसमें जो है आप देख सकते हैं वो जो मेड़, ये बीचों बीच जो मेड़ है इधर चढ़ाऊ है, इधर चढ़ाऊ है, उसके बाद ये जो बीच में मेड़ है उसके उस पार उड़ीसा है और इस पार जो है छत्तीसगढ़ है। नहीं जी, उधर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है ना। तो ये मतलब यहाँ इसको हम लोग बहरा बोलते हैं, जैसे उधर से ऐसे पानी आती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फूल होके आती है और ये पूरा नाला जैसे दिखती है। आपको इधर से नज़ारा दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बहरा है, मतलब उधर चढ़ाऊ है और इधर चढ़ाऊ है, बीच में गड्ढा टाइप का है और ये गड्ढा में ही मतलब एक मेड़ है खेत का। आप देख सकते हैं बीचे बीच छोटा सा मेड़ है, इस पार का छत्तीसगढ़ है और उस पार का जो है उड़ीसा है। हम लोग जो है वहाँ पे गए थे बंजारी माता का दर्शन करने के लिए, उसके बाद वहाँ से और एक गांव गए जहाँ पे आपको बाड़ी दिखाया था वो वाला गांव, उसके बाद जो नारियल का पेड़ है वो और एक गांव है, उसके बाद हम लोग और दूसरे गांव में आए हैं। ये जो मछली पालन किए हैं छोटा सा रूप में, ये एक कितना किलो डाले हो जी? 2 किलो डाले हैं करके बता रहे हैं। तो ये छोटा सा अपना जो है खेत को जेसीपी से गड्ढा खोद दिए हैं, उसमें पालन कर रहे हैं। तो ये मछली पालन है, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर, आगे देखते हैं क्या। पहुंच चुके हैं हम लोग, ये आप देख सकते हैं बड़ा वाला पुलिया, उसके जस्ट नीचे है ये छोटा सा पुलिया, ये पहले था उसके बाद वो बना है। उधर जो है देवभोग है और ये जो नदी मैं जो खेत जाता हूँ वही वाला नदी है, उधर से ऐसे मुड़ के वो जाती है। तो यदि आपको इसी प्रकार का लाइफ स्टाइल वीडियो पसंद है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए, साइड में जो है बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो यदि हम डालते हैं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं कल किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। ए रे देखगा, जैसे वो चिड़िया है कि नहीं, वो मतलब ये नीचे में घोंसला बनाए है, एला कोई ले सकी कि नहीं सकी? कोई दूसरा आदमी थोड़े ले सकी वो नीचे के घोंसला ला है, बड़ा खतरनाक जगह में बनी से ऊपर में देखो आप।